एनडीए के हुए नीतीश कुमार। 28 जनवरी को एनडीए जेडीयू सरकार का शपथ ग्रहण। क्या सुशील मोदी होंगे डिप्टी सीएम? क्या करेंगे तेजस्वी यादव? अब तो ये पक्का लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार गए हैं। नीतीश ने एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसके बाद बिहार में अब आरजेडी जेडीयू की नहीं बल्कि जेडीयू एनडीए की सरकार बनने वाली है। अटकलें हैं कि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए नई तारीख भी सामने आ चुकी है, जो कि 28 जनवरी है। वहीं सीएम और डिप्टी सीएम के पद भी फाइनल हो गए हैं, जो कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी हैं। ये सारी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, लेकिन ये सभी खबरें मीडिया में फिलहाल सूत्रों के हवाले से है। फिर भी इन खबरों को लेकर बिहार में राजनीतिक उबाल और भी ज्यादा हो गया है। इस खबर पर चर्चा तेज होने की वजह ये भी है कि बिहार में पिछले दो हफ्तों से नीतीश कुमार के एनडीए का दामन थामने के बारे में न केवल अटकलें चल रही हैं, उनकी एक एक गतिविधियों पर गौर करते हुए बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को फौरन पटना आने का फरमान जारी किया है। साथ ही जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। यहाँ तक कि 28 जनवरी को पटना में आयोजित महाराणा प्रताप रैली को भी रद्द कर दिया गया है। इधर बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में हाई कमान के साथ बारी बारी से बैठकें कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया था। खबर है कि बिहार बीजेपी और बीजेपी के नेता और हाई कमान एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी बैठकें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं बैठकों के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से होने वाले गठबंधन पर मुहर लगेगी या फिर नीतीश के लिए एनडीए का रास्ता ब्लॉक किया जाएगा। इधर मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की डील पक्की हो चुकी है। दोनों पार्टियां एक बार फिर गलबैया करने को पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में सरकार बनाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी भी खेली जानी शुरू हो चुकी है। शायद यही वजह है कि गुरुवार को ये खबर उछलित थी कि बिहार विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी गई है। हालांकि इस बारे में भी अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। वहीं दूसरी बातें ये भी बताई जा रही हैं कि अगर एनडीए मान जाती है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो शायद 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार के साथ शपथ ग्रहण वाली अटकलें और सूत्रों के हवाले से दी जाने वाली खबर शायद पक्की हो जाए। बहरहाल इन सारे कयासों, चर्चाओं, अटकलों और सूत्रों के हवाले की खबरों पर मुहर लगने का इंतजार है, तभी बिहार का पॉलिटिकल पिक्चर पूरी तरह से साफ हो पाएगा। तब तक बिहार की सियासी गर्मी से भयंकर सर्दी को मात देने की कोशिश करते रहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।